नमन करता हूँ। और राजस्थान के मेरे प्यारे भाई बहन भी आज नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। राजस्थान में सियासी बिसात बिछ चुकी है। विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव है। पार्टियों के लिए दोनों ही चुनाव एक बहुत बड़ी चुनौती है। अभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत राज्य की कमान संभाले हुए हैं। 27 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान के शेखावाटी पहुंचे। यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए लोगों की अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा हुई। पीएम नरेंद्र मोदी ने शेखावाटी में एक बड़ी रैली की, क्योंकि शेखावाटी बीजेपी के लिए बेहद जरूरी है। शेखावाटी ही वो जगह है जहां बीजेपी के लिए 3 कृषि कानूनों का भारी संख्या में किसानों ने विरोध किया था। ऐसे में शेखावाटी पर मोदी ने खासा जोर डाला है। पीएम नरेंद्र मोदी पिछले 9 महीनों में 8वीं बार राजस्थान पहुंचे। शेखावाटी में ना केवल पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, बल्कि दूसरी तरफ इमोशनली लोगों को जीतने की कोशिश भी की। जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत की, उन्होंने खाटू श्याम जी को याद किया। उन्होंने कहा कि खाटू श्याम की ये धरती देश भर को भरोसा और उम्मीद देती है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हमने गुलामी की परंपराओं को पूरे आत्मविश्वास के साथ बदलने का काम किया है। देश की धरोहरों और भारतीय विचारों को उनका उचित स्थान दिलाने की कोशिश की गई है। मैं राजस्थान की धरती से देश के उन करोड़ों किसानों को भी नमन करता हूँ। और राजस्थान के मेरे प्यारे भाई बहन भी आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। खाटू श्याम जी की ये धरती देश भर के श्रद्धालुओं को भरोसा देती है, एक उम्मीद देती है। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे वीरों की भूमि शेखावटी से देश के लिए अनेक विकास परियोजनाओं को शुरू करने का अवसर मिला है। आपको याद होगा कि इससे पहले जब पीएम मोदी बीकानेर पहुंचे थे, वहां उन्होंने सालासर बालाजी और करणी माता का जिक्र करते हुए लोगों को जीतने की कोशिश की। वैसे तो पीएम नरेंद्र मोदी अक्सर जिस राज्य में जाते हैं वहां से खास रिश्ता बनाकर वापस आते हैं। उनके संबोधन में उस राज्य की विशेषताओं का उल्लेख जरूर होता है, लेकिन सीकर में खाटू श्याम के जिक्र से मोदी ने लोगों को इमोशनली जीतने की कोशिश की, क्योंकि शेखावटी में कुल 21 विधानसभा सीटें हैं। चुरू, झुंझुनू और सीकर जिले में पिछले चुनावों में कांग्रेस ने 17 सीटें जीती थी। सियासी जानकारों का कहना है कि मोदी खाटू श्याम का जिक्र कर समीकरण को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने यहां किसानों का जिक्र करते हुए सीकर और शेखावाटी को किसानों का गढ़ बताया। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी ने किसानों के लिए अनेकों काम किए हैं। किसानों की तारीफ करते हुए मोदी ने कहा कि यहां किसानों ने पानी की कमी के बावजूद धरती से सोना उगलवाया है। साथियों, आजादी के इतने दशक बाद आज देश में ऐसी सरकार आई है जो किसान का दुख दर्द समझती है, किसान की चिंता समझती है। इसलिए बीते 9 वर्षों में भारत सरकार द्वारा लगातार किसान हित में फैसले लिए गए हैं। हमने बीज से बाजार तक किसानों के लिए नई व्यवस्थाओं का निर्माण किया है। मुझे याद है, यहां राजस्थान के सूरतगढ़ से ही हमने 2015 में सॉयल हेल्थ कार्ड योजना शुरू की थी। इस योजना के माध्यम से हमने देश के किसानों को करोड़ों सॉयल हेल्थ कार्ड दिए। इन कार्डों की वजह से आज किसानों को मिट्टी की सेहत के बारे में पता चल रहा है, वो उसी हिसाब से खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज फिर राजस्थान की धरती से किसानों के लिए एक और बड़ी योजना शुरू की जा रही है। आज देश भर में 1.25 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र
राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। ये सभी केंद्र सच्चे अर्थों में किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। ये एक तरह से किसानों के लिए वन स्टॉप सेंटर है। आप किसान भाई बहनों को अक्सर खेती से जुड़े सामानों के लिए, दूसरी जरूरतों के लिए अलग अलग जगह पर जाना पड़ता है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत अभी राज्य की कमान संभाल रहे हैं। अभी कुछ ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी लगातार इसी जद्दोजहद में है कि जिन भी राज्यों में कांग्रेस है, आगामी चुनावों में वहां से भी कांग्रेस को उखाड़ फेंक दिया जाए। ऐसे में राजस्थान काफी अहम हो जाता है, क्योंकि यहां बीजेपी कमजोर है। यही कारण है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। इसलिए मोदी इमोशनली भी लोगों को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश कितनी कामयाब होगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।